हेलो एवरीवन, आज अपन जॉन कार्ला के हैंडआउट इलेक्ट्रिक सर्किट्स की प्रॉब्लम 47 सॉल्व करेंगे। इस प्रॉब्लम में अपने को एक इनफाइनाइट ट्रायंगुलर मेस दिया हुआ है। इस ट्रायंगुलर मेस के एक लेटेस्ट फेस को ए बी सी से डिनोट किया गया है। बी और सी के बीच के रेजिस्टेंस को कट करके अलग कर देते हैं। अब बचे हुए सर्किट में ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अपने को पता करना है। आर ए बी अपने को फाइंड आउट करना है। इस प्रॉब्लम की हिंट के अंदर ऑथर ने नेगेटिव रेजिस्टेंस टेक्निक यूज़ करने के लिए कहा है। अपन इस प्रॉब्लम को विदाउट नेगेटिव रेजिस्टेंस अप्रोच सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अपने को ये पता होना चाहिए कि एक इनफाइनाइट ट्रायंगुलर मेस के दो नेबरिंग नोड्स के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा। अपन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए सुपरपोजिशन का यूज़ कर सकते हैं। मैं बी और सी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पता करूँगा। इसके लिए मैं टर्मिनल बी के अंदर आई करंट एंटर करा देता हूँ। यहाँ से आई करंट एंटर कराएंगे। ये करंट 6 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी। तो बीसी ब्रांच में करंट होगी आई बाई 6, इसी तरह से इस ब्रांच में भी आई बाई 6, बीए ब्रांच में भी आई बाई 6 करंट जाएगी। सेकेंड, अपन सी से आई करंट बाहर निकालेंगे। तो मैं सेम सर्किट को यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ। अब अपन सी से आई करंट एग्जिट कराते हैं। जब सी से आई करंट निकालेंगे तो 6 ब्रांचेज से इक्वल करंट आ रही होगी सी की तरफ। तो इधर से करंट आएगी सी की तरफ आई बाई 6, इधर से भी करंट आ रही होगी आई बाई 6, इधर से भी आई बाई 6, इधर भी आई बाई 6 करंट आएगी और बीसी ब्रांच में भी आई बाई 6 करंट सी की तरफ आ रही होगी। अब इन दोनों सर्किट्स को अपन सुपरपोज कर देते हैं। सुपरपोज करने से अपने को जो सर्किट बने, अपने को जो सर्किट मिलेगा उसको मैं नीचे ड्रॉ कर रहा हूँ। अपने पास ये सर्किट आ जाएगा। सुपरपोज सर्किट में बी के अंदर आई करंट एंटर हो रही होगी, सी से आई करंट एग्जिट होगी और बी सी ब्रांच में करंट हो जाएगी। चूंकि पहले सर्किट में करंट आई बाई 6 जा रही है बी से सी की ओर, सेकंड सर्किट में भी सेम करंट बी से सी की ओर जा रही है, तो टोटल करंट हो जाएगी आई बाई 6 प्लस आई बाई 6 यानी आई बाई 3, यानी इसमें करंट होगी आई बाई 3। अब अपन आर बी सी यानी बी और सी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को ये लिख सकते हैं, वी बी सी डिवाइडेड बाई सप्लाई करंट आई। वी बी सी की वैल्यू अपन ओम्स लॉ से पता कर लेते हैं। बी सी ब्रांच पे कितना ड्रॉप होगा वो कैलकुलेट कर लेते हैं। तो बी सी ब्रांच में करंट तो फ्लो कर रही है आई बाई 3 और इस ब्रांच का रेजिस्टेंस अपने को आर दिया हुआ है, तो आर बी सी की वैल्यू आ जाएगी आर बाई 3। तो कोई भी दो नेबरिंग नोड्स के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू होगी आर बाई 3। अब अपन इसका यूज़ करके गिवन सर्किट के अंदर ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे। गिवन सर्किट में बी और सी के बीच के रेजिस्टेंस को रिमूव कर दिया गया है। ये सर्किट
इस लाइन के अबाउट सिमेट्रिक है जो ए से पास हो रही है, और इस लाइन के अबाउट चूंकि बी और सी सिमेट्रिकली लोकेटेड हैं, अपन ये कह सकते हैं कि आर ए सी की वैल्यू उतनी ही आएगी जितनी आर ए बी की आएगी, लेकिन बी और सी के बीच में इक्विलेंट रेजिस्टेंस अब डिफर करेगा, उसकी वैल्यू डिफरेंट रहेगी। तो अपन ये लिख सकते हैं आर ए बी इज इक्वल टू आर ए सी विच इज नॉट इक्वल टू आर बी सी। तो मैं इस सर्किट को एक स्टार कनेक्शन से रिप्लेस कर देता हूँ जिसमें आर ए बी की वैल्यू आर ए सी के बराबर होनी चाहिए और आर बी सी की वैल्यू इससे डिफरेंट होनी चाहिए। तो ये तीन टर्मिनल हैं अपने पास, टर्मिनल ए, टर्मिनल बी और टर्मिनल सी। एक स्टार कनेक्शन बना लेते हैं इस टाइप का, इन तीनों रेजिस्टेंस की वैल्यू इस टाइप से चूज करेंगे ताकि ये कंडीशन सेटिस्फाई हो, यानी आर ए बी की वैल्यू आर ए सी के बराबर हो। तो मैं क्या करता हूँ, इस रेजिस्टेंस को मान लेता हूँ एक्स के बराबर, ये रेजिस्टेंस हो जाएगा वाई, और इस रेजिस्टेंस को भी ले लेता हूँ वाई। तो अगर मैं इसमें आर ए बी कैलकुलेट करूँ, ए और बी के बीच में जब आप इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करोगे तो ये हो जाएगा एक्स प्लस वाई, क्योंकि एक्स और वाई सीरीज में आ जाएंगे। तो आर ए बी की वैल्यू होगी एक्स प्लस वाई। सिमिलरली अगर अपन आर ए सी कैलकुलेट करें, इन दो टर्मिनल्स के अक्रॉस इक्विवेलेंट निकालेंगे तो ये आएगा एक्स प्लस वाई, यानी आर ए सी की वैल्यू भी एक्स प्लस वाई के बराबर आएगी। आर बी सी अगर अपन कैलकुलेट करेंगे, बी और सी के बीच में जब इक्विवेलेंट निकालोगे तो दो रेजिस्टेंस हैं बी और सी के बीच में, ये वाई और ये वाई, यानी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो जाएगा टू वाई। तो अब अपने पास दो वेरिएबल हैं एक्स और वाई। अगर मेरे को इन दोनों वेरिएबल्स की वैल्यू पता हो जाए तो अपन इन तीनों रेजिस्टेंसेस की वैल्यू पता कर सकते हैं, ए और बी के बीच में, ए और सी के बीच में, और बी और सी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आसानी से पता हो जाएगा अगर अपने को एक्स और वाई पता है। अब अपन एक कंडीशन यूज़ करते हैं, अगर मैं बी और सी के बीच में एक रेजिस्टेंस आर कनेक्ट कर दूँ तो उस केस में अपने को ये पता है कि आर ए बी, आर बी सी और आर सी ए तीनों की वैल्यू आर बाई थ्री के बराबर होगी, जो अपन ने प्री रिक्विजिट में अभी स्टडी किया है। तो नेक्स्ट अपन ऐसा करते हैं, ये जो स्टार कनेक्शन अपन ने बनाया है इसमें बी और सी के बीच जो रेजिस्टेंस अपन ने रिमूव किया था उस रेजिस्टेंस को मैं वापस कनेक्ट कर देता हूँ, ये रेजिस्टेंस मैं वापस कनेक्ट कर देता हूँ, तब ये इनफाइनाइट ट्रायंगुलर मेस बन जाएगा। आर ए बी की वैल्यू, आर बी सी की वैल्यू और आर सी ए की वैल्यू तीनों वैल्यू आर बाई थ्री के बराबर होंगी, जो अपन स्टडी कर चुके हैं। तो इस स्टार कनेक्शन को मैं यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ। अब बी और सी के बीच में एक रेजिस्टेंस अपन कनेक्ट कर देते हैं आर। जब ये रेजिस्टेंस आर कनेक्ट करेंगे तो ये सर्किट एक इनफाइनाइट ट्रायंगुलर मेस बन जाएगा जिसमें आर ए बी की वैल्यू, आर ए सी की वैल्यू और आर बी सी इन तीनों की वैल्यू आर बाई थ्री के बराबर आएगी। ये पॉइंट अपन प्रीरिक्विजिट
के अंदर स्टडी कर चुके हैं। अब आर ए बी अगर मैं कैलकुलेट करूं तो कितना आएगा, ये अपन सर्किट से देख सकते हैं। आर ए बी कैलकुलेट करते हैं, इन दो टर्मिनल्स के अक्रॉस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अपने को कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर देखिए, ये दोनों रेजिस्टेंस तो सीरीज़ में आ जाएंगे Y प्लस R, और ये जो ब्रांच है आपकी, ये ब्रांच इस ब्रांच के साथ पैरेलल में होगी। तो पहले इसका इक्विवेलेंट निकाल लेते हैं, Y प्लस R इंटू Y अपॉन Y प्लस R प्लस Y, जो हो जाएगा 2Y प्लस R। ये तो इतने पार्ट का इक्विवेलेंट हो गया, और इसके साथ ये X सीरीज में है तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो जाएगा प्लस X। ये वैल्यू R बाई 3 के बराबर होनी चाहिए। सिमिलरली अगर मैं R BC कैलकुलेट करूं, B और C के बीच इक्विवेलेंट निकालूं, तो वो भी अपन कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए, जब अपन B और C के बीच में इक्विवेलेंट निकालेंगे तो ये Y और Y सीरीज में होंगे 2Y, और 2Y इस R के साथ पैरेलल में होगा, तो इक्विवेलेंट ये आ जाएगा 2Y इंटू R अपॉन 2Y प्लस R, ये अपने पास आएगा। अब इन दोनों की जो वैल्यू है वो इक्वल होगी, तो अपन इन दोनों वैल्यूज़ को R बाई 3 से इक्वेट कर देते हैं। पहले मैं आर बी सी की वैल्यू को आर बाई 3 से इक्वेट करता हूँ। आर बी सी इज इक्वल टू आर बाई 3, तो ये आएगा अपने पास 2Y R अपॉन 2Y प्लस R, दिस इज इक्वल टू आर बाई 3। अब इसको सोल्व करेंगे, R से R कट जाएगा न्यूमरेटर में, तो अपने पास ये आ जाएगा 6Y इज इक्वल टू 2Y प्लस R, यानी 4Y इज इक्वल टू R, यानी Y इज इक्वल टू R बाई 4। तो Y की वैल्यू अपने को मिल गई है R बाई 4। नेक्स्ट अपन आर ए बी को आर बाई 3 से इक्वेट करते हैं, तो आर ए बी जो है उसकी वैल्यू, आर ए बी इज आल्सो इक्वल टू आर बाई 3। आर ए बी जो है उसकी वैल्यू मैं यहां से कॉपी कर लेता हूं, इसको भी आर बाई 3 से इक्वेट कर देते हैं, दिस इज इक्वल टू आर बाई 3, और इसमें वाई की वैल्यू पुट करके अपन एक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो अपने पास ये आ जाएगा आर बाई 4 प्लस आर इंटू आर बाई 4 अपॉन 2Y हो जाएगा आर बाई 2 प्लस आर प्लस एक्स इज इक्वल टू आर बाई 3। इसको फर्दर सोल्व करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में जो पहली टर्म है वो हो जाएगी 5 आर बाई 4 इंटू आर बाई 4 डिवाइडेड बाई 3 आर बाई 2 प्लस एक्स इज इक्वल टू आर बाई 3। यहाँ से अपन x की वैल्यू निकाल लेते हैं, x ये आ जाएगा r बाई 3 माइनस 5 r अपॉन 24, जिसको अगर अपन फर्दर सोल्व करें, 24 को LCM ले लेता हूँ, तो ये आ जाएगा 8 r माइनस 5 r विच इज इक्वल टू 3R बाई 24 या R बाई 8, यानी X की वैल्यू ये आ गई R बाई 8।
तो अपने को y भी मिल गया, x भी मिल गया, तो RAB की वैल्यू अब अपन आसानी से पता कर सकते हैं, क्योंकि RAB की वैल्यू अपने पास ये थी, RAB इज इक्वल टू x प्लस y। इसमें x की वैल्यू पुट करेंगे r बाई 8 और y की वैल्यू पुट करेंगे r बाई 4। जब दोनों को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 3r बाई 8। तो ये अपना आंसर हो जाएगा, a और b के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा 3r बाई 8। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस प्रॉब्लम को अपन कॉन्सेप्ट ऑफ नेगेटिव रेजिस्टेंस से भी सॉल्व कर सकते हैं, जैसा ऑथर जॉन कार्डा ने सजेस्ट किया है, बट मैंने अपने सॉल्यूशन में नेगेटिव रेजिस्टेंस के कॉन्सेप्ट को यूज़ नहीं किया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।